had gone to Maharajganj. ये मेरा first community visit था. Like I was very excited to see the living condition there. So on the 7th day we decided that we are going to visit a community called Vantangya community. Vantangya community comprised of people which were brought from Myanmar by Lord Mountbatten, and they were basically called for like deforestation there. So when we started our journey, everyone was excited. Our PLC, like first visit for me and others who are visiting. When we were going, we saw children sitting outside. Like there was space, building was not fine. मतलब एकदम shelter भी नहीं था वहाँ पे. जब मैंने देखा तो मैंने सोचा शायद धूप में बैठे हैं, जैसे कि मसूरी में हम लोग बैठा करते थे धूप में, पढ़ते थे वहाँ पे, तो मुझे लगा शायद वैसा ही बैठे. थोड़ा आगे जाके जब गए तो देखा कि वहाँ जो है बिल्डिंग भी अच्छे से नहीं बनी. वो देख के बहुत बुरा लगा कि क्यों ऐसा, क्या, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे. लेकिन फिर हमें आगे जाना था तो बड़े आगे साथ में सब लोग आगे बढ़े. तो जब हम लोग वहाँ मिल रहे थे लोगों से, उसी बीच एक औरत वहाँ पे थी जो हंस रही थी हमें देख के. बस एक ही थी, बाकी सारे आदमी थे. जब हमने देखा उसको तो एक स्माइल, मतलब वो हमें ही देखी जा रही थी, तो अंदर से हुआ कि जाके बात करते हैं, क्या बोलना चाहिए. गए वहाँ पे तो पूछा कि आप यहीं रहती हैं? उन्होंने बोला हाँ. आप किस लिए आए? बहुत उतावली होके उन्होंने हमसे पूछा. जब गए तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे मतलब पूरे घर वाले यहाँ रहते हैं. सुन के बहुत अच्छा लगा. तब हमने सोचा कि आशा वर्कर से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ हम आशा वर्कर से मिलने जा रहे थे. उसने बोला कि चलो चलते हैं साथ में. ठीक है, हम लोग गए. जब जा रहे थे तो उसका घर था बीच में, तो उसने बोला मैं कुंडी लगाना भूल गई, बंद करके आ गई. तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम भी चलें आपके साथ. तो उसने बोला हाँ हाँ आइए, आप ज़रूर आइए. देखा जब तो लाइक वो हट होते हैं तो उसमें क्लाइंबर्स ऊपर लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल हट थे वहाँ पे, जो मैंने शायद एक्सपीरियंस नहीं करा कभी. जब जा रहे थे तो घर देखा हमने, वहाँ पे एक वाइल्ड रैबिट था, वहाँ पे उन्होंने पाल रखा था वाइल्ड रैबिट को वहाँ पे. उसके बाद मतलब एक छोटा सा रूम में वहाँ लोग रह रहे थे. थोड़ा सा बाहर जाके देखा तो दो रूम्स बने हुए थे, एक टॉयलेट था भी नहीं भी था, क्योंकि सिर्फ मट था वहाँ, मतलब वो सिर्फ मट के ब्रिक से उन्होंने बनाया गया था, और टॉयलेट का कोई भी अता पता नहीं था. वो देख के एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि टॉयलेट है नहीं है क्या है. तो पूछा मैंने कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है? तो उन्होंने बोला कि टॉयलेट मतलब पैसे दिए गए हैं, बनाएंगे, अभी यहाँ यूज़ नहीं होता. तो मैंने पूछा कि तो आपके बच्चे यूज़ कहाँ करते हैं, आप कहाँ यूज़ करते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप देखिए यहीं खेत है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं. वो सोचा तो मुझे लगा कि जो छोटी छोटी बच्चे हैं और वो है, जब उनको पीरियड होता है तो क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था, हमने पूरा देखा था. क्यूरियोसिटी आगे और चलती गई. छोटा सा हट था वहाँ पे, उनका स्टोरेज फैसिलिटी था. स्टोरेज में उन्होंने मतलब कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे बनाना और पैडी कल्टिवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद उन्होंने बोला चलो चलो आगे चलते हैं. जब आगे बढ़ रहे थे तो दो दो हट थे हर वो कम्युनिटी में, ऐसे दो हट, एक छोटा एक बड़ा ऐसे. तो वो देख के मैंने बस पूछा कि यहाँ क्या, कितने लोग रहते हैं, क्या है वहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि अरे ये जो हट है ना, यहाँ पे जब लड़की को पीरियड होता है तो वो उसके लिए. तो वो सुन के मतलब आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि ऐसे लड़कियों को अलग हट में, मतलब अपने घर से दूर रखा जा रहा है. मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि कभी घर वाले से, मतलब मेरे परिवार अगर वहाँ पे है तो कैसे उनके साथ रहेंगे.
ये जरूर देखा है कि लड़कियां नीचे सोती पीरियड के टाइम, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि अलग ही रूम में सो। मैंने पूछा कब तक रहती है वहां पे, उन्होंने बोला जब तक वो साफ नहीं हो जाता। वो साफ वर्ड सुन के ऐसा लगा कि मतलब क्या ऐसा अभी भी हो रहा है, इतने साल हो चुके हैं। साफ मतलब जैसे औरत जो होती है वो बच्चों को 9 महीने अपने साथ पालती है, तो साफ का मतलब कैसे वो डिफाइन हो सकता है। वो देख के अजीब सा लगा। तब मैंने पूछा खाना कैसे उनको मिलता है, उनको भूख लगती है तो क्या। तो उन्होंने बोला जब हमारे घर में खाना बनता है तो हम उनको वहीं पे जाके रखते हैं, वहीं खाती है, और जब हो जाता है मतलब उनका ख़त्म हो जाता है तब वो आती है हमारे साथ, तब लेती है। तो फिर मैंने पूछा ये स्कूल का क्या होता है, बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। तो उन्होंने बोला अरे उस टाइम थोड़ी जाएंगे स्कूल, अभी जब तक साफ नहीं हो जाती स्कूल जाके क्या खाएंगे। ऐसा मतलब मैंने जहाँ से आई हूँ वहाँ कभी भी ऐसा देखा नहीं ऐसा होता है। वो एक बहुत बड़ा झटका लगा कि ऐसा भी हो रहा है कि स्कूल जो हमने पढ़ा था, मतलब जब हम सेकेंडरी रिसर्च कर रहे थे हमने देखा था बहुत ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है लड़कियों का, तो वन ऑफ द रीज़न हमें लगा कि शायद इसलिए कि वहाँ पे लड़कियों को मतलब जब उनकी कंडीशन ऐसे होती है तो वो स्कूल कैसे जा पाएगी, उनको घर वाले ही नहीं भेजते या वो खुद नहीं जा पाते। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में लेकिन बढ़ते चले गए आगे। तब जब आगे बढ़ रहे थे मैंने पूछा कि पैड तो होता ही होगा आपके पास, मतलब देते हैं, कैसे यूज़ करती थी। तो उन्होंने बोला पैड, ऐसे करके उन्होंने स्माइल करा मुझे देख के। तो मैंने भी उनको देखा तो उन्होंने बोला अरे कपड़ा है ना, कपड़ा यूज़ करती थी, पैड थोड़ी यूज़ करेंगे। तो वो कपड़ा बार बार वो लोग साफ करती हैं, वही वो लोग बार बार यूज़ करते हैं। मतलब कैसे क्या कंडीशन होती होगी उनकी हाइजीन सैनिटेशन, इतना बच्चियों को छोटी बच्ची जब से उनका होता है और जब तक मतलब मैरिड हो जाती है तब भी उनको अलग रखा जाता है, जब तक उनका प्योर वाला सिस्टम खत्म है। अभी भी जब सोचती हूँ उस बारे में ये स्टोरी मेरे दिमाग में आती है तो लगता है कि क्या होगा, क्या कंडीशन है, कैसे जा रहा है, कैसे उनका हेल्थ पे इफेक्ट होता है, क्या आगे होगा। वो सोच के अभी भी लगता है, शायद लगता है कि बाद में कभी जाएंगे वहाँ देखेंगे फिर से, जो अभी 15 दिन में नहीं कर पाए शायद आगे जाके हम वहाँ पे उनको हेल्प कर सकें अपने तरफ से, क्या करना चाहते हैं, कैसे उनको इसके बारे में समझा सकते हैं।